A very warm good evening, my lovely kids. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all to the NEET Board 21-22 Animal Kingdom Sprint Part 2 that we're going to be doing live right now. I'm absolutely fine. I hope you're doing well too. Without wasting even 1 minute, let's move forward. Friday and Saturday, I'm bringing the KVPY, SASX, Biology, Menti, Marathon only for my lovely kids, so that we leave no stone unturned to make sure कि आपकी KVPY की preparation भी accelerate हो जाए. आज शाम को right after this class at 9 PM मैं आपके साथ discuss करूंगी previous year AFMC question. आपको पता है हमने 3-pronged attack launch कर दिया है NEET 21 और 22 पे. सुबह के टाइम हम सारी NCERT को अंडरलाइन करते हैं और एक-एक लाइन के क्वेश्चन बनाते हैं. Yes ma'am. Evening 5 PM मैं आपको अगले 30 डेज में 1 month लेस देन अ मंथ इनफैक्ट मैं 20 या 29 डेज में ट्राई करूंगी कि हर एक पेज के आपको ऐसे नोट्स लिखवा दूं. मैंने देखिए पेज को कैसे बीच-बीच से आधा किया हुआ है. हर एक पेज के मैं आपको ऐसे नोट्स लिखवा दूं, हैंडमेड नोट्स which I prepare from at least 6 or 7 books पर आपको एक पेज के नोट्स लिखवा दूं. और शाम को 9 o'clock on this channel which is only meant for studies and no entertainment, absolutely zero entertainment channel, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला चैनल, रोज शाम को 9 o'clock में गोइंग टू बी डूइंग द प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, भले वो एम्स के हो, एएफएमसी के हो, जिपमर के हो, बीएचयू के हो या नीट के हो. कल मैं करवाने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस. यस एवरीवन, कल सुबह कह रही हूँ मैं बंगाली वर्जन, हाँ आमिर तुम आपको भालो भासी कल सुबह कहना था, सुबह कह रही हूँ, सुबह फुल ऑन बंगालिया. तो कल सुबह 9 बजे, यस 9 बजे मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज कराऊंगी. और कल हैंडमेड नोट्स होंगे प्लांट किंगडम के. यस ओ परफेक्टो, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. कल मैं जिपमर का पेपर डिस्कस करूंगी. इज़न्ट दैट अमेजिंग गाइस? क्लास 11 के बच्चों आप भी आइए पेपर डिस्कस करने, ताकि आपको पता तो चले. आज एएफएमसी का पेपर और कल होगा जिपमर का पेपर डिस्कस. तो करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब राइट नाउ एवरीबॉडी. चलिए राइट नाउ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक. आई वांट ईच वन ऑफ यू टू लाइक, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू शेयर, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट नाउ. एंड गाइस, जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो मैसेज फैला दे, वो बाकी लोगों को बता दे. अपने आस पड़ोस में कोई पढ़ रहा है, कोई 10th का बच्चा भी है जो 11th में बायो लेना चाह रहा है, कोई भी वो बच्चा, उसको वो मैसेज पकड़ा दे कि यस ओ दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज आवर चैनल राइट हो. बायोटॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एंड इसको पक्का ज्वाइन करना है. यहाँ पर आपने जाना है, ये आपका एम है मेरे बच्चों. यस, तब तक रुकना नहीं है, थमना नहीं है जब तक हम एक टॉपर नहीं बन जाते. और टॉपर सिर्फ नीट के नहीं, बोर्ड एग्जाम्स को टॉप करेंगे, केवीपीवाई को टॉप करेंगे, नीट को टॉप करेंगे. वी आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल, है ना धन्या? राइट, दे वर एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल. किसी दुनिया में किसी चीज में ताकत नहीं है कि वो हमको रोक कर दिखा सके. Yes everyone, चलो let's move forward. Start कीजिए. तो पिछली क्लास मैंने I think फ्लैटी हेलमिंथिस, नेमेटे हेलमिंथिस करा दिया था आपको मैंने, right? नहीं, मुझे नहीं याद. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेमेटे हेलमिंथिस, एनालिडा, right how स्टार्ट कीजिए. चलिए unstoppable, चलो let's get started मेरे बच्चों. आगे बढ़ा जाए. ओके, चलो चलते आगे. तो मेरे साथ साथ सारे बच्चे कॉपी करना शुरू कर देंगे. मैंने छोटे छोटे, देखो मैं तो छोटे छोटे कॉलम्स बनाती हूँ नोट्स पे, ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स बनाइए. ठीक है, प्लैटी कंप्लीट हो गया है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेमेटा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, नेमेटोडा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एनालिडा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आर्थ्रोपोडा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ये देखो ये पूरा पेज आर्थ्रो पे है, मोलस्का पे इतना है, राइट ने मोलस्का पे भी पूरा है. मोलस्का और आर्थ्रो पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसपे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं. जिन जिन चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पूरे ऐसे बने ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए मेरे साथ साथ कॉपी कीजिए. चलिए नेमेटोडा करवा रही, दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है. एवरीबडी स्टार्ट. और बेटा ये इतने काम की चीज है, ये इतना हेल्प करने वाली है आपको. थोड़ी देर में आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, राइट, कि जब आपको फाइनल रिवीजन करना होगा तो ये कितना हेल्प करेगा, राइट है? नेमेथे, हेलमेंथिस, ये सब इनके दूसरे दूसरे नाम हैं, ठीक है। जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, इनके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज लाइक अ सेंस ऑर्गन। सो स्ट्रक्चर जो सेंस ऑर्गन होता है उसको फैज्मिडा कहते हैं। जिसके पास फैज्मिड है उसको फैज्मिडा कहेंगे, जिसके पास फैज्मिड नहीं है उसको एफैज्मिडा कहेंगे, राइट। तो लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, एक वर्म होता है ट्राइचुरस और पूछा था ये फैज्मिडा है या एफैज्मिडा है। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ था ये एफैज्मिडा है, इसके पास फैज्मिड नहीं है। इसके पास इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे क्वेश्चन आता है, आपने बहुत बार एमसीक्यूज में देखा होगा, रेनेट सेल, राइट। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्म्स, दे आर द फर्स्ट वंस टू शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यू मस्ट हैव सीन इन राउंड वर्म्स, द फीमेल इज लॉन्गर, द मेल इज शॉर्टर। सो this sexual dimorphism word in worm started with nematohelminthes. This is a very important one, right everyone? Now Ascaris, aphasmida is your trichurus, Ascaris lumbricoides is your phasmida. So this is a this is like a sensory organ which is present. Ispe bahut zyada questions aate hain. All Ascaris, nematohelminthes usually have a hydroskeleton. They pull the water inside their body because of which they are able to maintain their skeletal form. Phasmids are the glandulosecretory structures which are present, right? बेटा इधर ही पढ़ रही है, this is nematoda. सिर्फ यहाँ पर लाइट पढ़ रही है, वो nematoda है, और कहीं भी लाइट नहीं पढ़ रही है, वो nematoda है, that's all. फाइलेरियल वर्म्स जो आपके हैं, फाइलेरियल वर्म्स, that is Wucherichia, फाइलेरियल वर्म्स, right? Wucherichia bancrofti, Wucherichia. पिनवर्म जो आपका है, पिनवर्म, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पिनवर्म कौन होगा? एंथरोबियस, एंथरोबियस, इज दैट क्लियर? और लार्वल फॉर्म्स पे वर्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके पास, एस्कैरिस के पास जो लार्वल फॉर्म होता है उसको रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके से। Rhabditiform larva. What is the larval form called? It's called the Rhabditiform larva. Is that clear, everyone? चलिए प्रणव गायकवाड़, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। So let's now move to the next one, which is important part. This one, this is called the Annelida. What is this called? This is called your Annelida. चलिए, इनके पास rings होती हैं, इनके rings को annuli कहते हैं, annuli. That is why नाम पड़ गया, yes. Annelida. They have metameric segmentation, metameres. The segments are called as metameres. The first segment is called as, yes, क्योंकि favorite question है, जो first segment होगा इनका वो कहलाएगा peristomium. Write every word down. Right? So whatever I'm saying, write them down in your copies. The first segment is called the peristomium. What is the first segment called? Peristomium. Outgrowth which is over the peristomium. Peristomium के ऊपर एक flap like, ऐसे मुंह के ऊपर एक flap like outgrowth होता है, जिसका नाम होता है prostomium. What is it called? It's called the prostomium. Except leeches, leeches को छोड़कर everybody has unjointed seating, right? Except leeches. नीरिस के पास क्या होता है? नीरिस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है पैरापोडिया. What is the special structure called? It's called the parapodia. Are you all understanding? Make a heart. Right ho everyone. So copy कर पा रहे हो? देखिए कैसे I have made table so that you are all able to copy things. ठीक है, इनके पास भी हाइड्रोस्केलेटन होगा. They also have your hydroskeleton. Any doubts? Any doubts? अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल करने वाली हूँ, तो इसी के हम वी आर डूइंग द डिटेल्स. ये तो जनरल फीचर्स थे, थोड़े से डिटेल्स करते हैं, ठीक है जी? हाइड्रोस्केलेटन, हर्षिता, आलिया, एवरीवन, लेट्स गेट गोइंग. थोड़े से इसकी डिटेल करते हैं. डिटेल करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डिटेल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा इसका डिटेल करते हैं. चलिए, सबसे पहले बेटा इनका जो ब्लड होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, वीएस लिख रही हूं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है, करेक्ट? राइट हो एवरीवन. एनालिडा, नेफ्रीटिया, नीरिस, ऑलिगोकोइटा, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, लीच के डिटेल पे, ठीक है? ओके, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, पर हीमोग्लोबिन जो होता है वो कलर्ड होता है. उसके पास इरिथ्रो पिगमेंट होता है, पिगमेंट इरेथ्रोक्रोरिन। एमसीक्यू का फेवरेट से भी फेवरेट क्वेश्चन है, कौन फेवरेट से भी फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैं आर्थ्रोपोडा करवाऊंगी आपको। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनकी बॉडी में जो होते हैं बहुत बार एमसीक्यू में आए। यहाँ पे मैंने आपको रेनेट सेल कराया, कहाँ लिखा है ये रहा, ये एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है। इधर आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स याद रखने, आपको पता ही होगा नेफ्रिडिया, ये क्वेश्चन है 2016 एम्स का। नर्वस रिंग होती है जी, नर्व रिंग, नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग्स होती हैं। इनके लार्वा का नाम होता है, लार्वा तो हर जगह आता है, यहाँ पे मैंने रैबिटिफॉर्म एमसीक्यू में आया हुआ है। इनका लार्वा अगर एग्जाम में आएगा दैट्स कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, राइट। अब मैं थोड़ा सा इनकी क्लासेस के बारे में बता दूं, बहुत शॉर्ट में। वैसे क्लासेस पे क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट हल्का सा भी इसकी क्लासेस के बारे में जान लेते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट एवरीवन। बेटा आई कैन सेंड यू दैट पेपर, पर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, इट इज सो स्मॉल यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट, ठीक है जी। तो पॉलीखेटा के एग्जाम्पल जो है जी वो नीरेस है, इनके पास पैरापोडिया होता है विद सीटे, पैरापोडिया विद सीटे। सेकेंड जी आपका क्या एग्जाम्पल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलिगो 2 to 9 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट, अर्थवर्म। थर्ड कौन है जी आपका, हिरुडिनिया विच इज गोइंग टू सीक्रेट हिरुडिन एंटीकोगुलेंट, उसमें कौन आएगा, लीच विल कम, लीच आपको पता ही है, राइट। एंड फोर्थ आपका है इकाइनो सेगमेंटेशन, इसका बहुत ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख देती हूँ, ये मिटा दो, लिख दिया हाइड्रोस्केलेटन पैरापोडिया तो मैं मिटा रही हूँ। आई होप यू आर राइटिंग डाउन विद मी, दैट्स द एम ऑफ द क्लास। मैं आपको पेपर भी भेज दूंगी बेटा, बट मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज योर ओन नोट्स आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन द एग्जाम। दिस इज important, I'm going to put 2 star marks. Green velvet worm, Bonellia viridis, green velvet worm, very pronounced sexual dimorphism, green velvet worm which is known as Bonellia viridis. Write this down, very very important. Wow Pranav, is that clear? Bonellia, no segmentation in Bonellia viridis, no segmentation, the green velvet worm, right? Written all of this, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, write all of this down. इसके अलावा you don't have to read anything else, right Monica, रश्मिता, भावना, आप कॉपी कर पा रहे हो? इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लास्ट मंथ वाले रिविजन नोट्स बनवा रही हूँ, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड फॉर योर लास्ट मंथ रिविजन नोट्स, दिस इज मोर देन इनफ। कूल, परफेक्टो द जिलेटो द विलेटो, यस हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एंड नाउ yes, let us move to Arthropoda. I will go a little slowly, tension not. Menti to hai beta, menti to is there. Let's come to Arthropoda. Chalo ab aap acche se, this is very very important, and jo notes main bana ke de rahi hu they are detailed, this is not short notes now, they are detailed notes. तो ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़े ही ज्यादा डिटेल्ड नोट्स में बनाकर दे रही हूँ आपको, कूल, राइट। आई विल सेंड यू द पेपर मेरे बच्चों, पर आपको मेरे पेपर से फायदा नहीं होगा, आपको अपने हैंड रिटन नोट से ज्यादा फायदा होगा, राइट। जो आप लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम वांदू, जो आप लिख रहे हैं आपको उससे ज्यादा फायदा होगा। वानी मैम के हैंड रिटन नोट से आपको फायदा नहीं होने लगा, आपको अपने नोट से फायदा होगा, कूल है जी, ठीक है जी। चले फिर, ओके जी, यस सो मैडम जी, नोटेड है, तो फिर डरने की क्या बात है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में बार बार आता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स किस फाइलम पे होते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इसी फाइलम में होते हैं, दे आर क्लोज टू दीज मेनी स्पीशीज विच आर प्रेजेंट, दिस इज अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन। जो इनका बॉडी फॉर्म है जी, इनके बॉडी फॉर्म में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है, क्या है जी इनके बॉडी फॉर्म में, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। डन। तो हाफ अभी देखते हैं हाफ बार, ठीक है, ओके। हेड थोरैक्स। नाउ इनके फोरगट के लिए एक नाम दिया जाता है जो एमसीक्यू का ट्रिकी क्वेश्चन है। टीक्यू लिख रही हूं मैं यहां, ट्रिकी क्वेश्चन है। इनके फोरगट को कहा जाता है ये स्टोमैटियम। Is that clear? फिर आपने एक वर्ड देखा होगा मिसेंटेरॉन, राइट? यस एवरीवन, इसके नीचे एक वर्ड लिखा होगा जी मिसेंटेरॉन। मिसेंटेरॉन कहा जाता है जी मिडगट को, मिडगट को, ठीक है जी। फिर आपके हाइंडगट को कहा जाता है जी सुने ये वर्ड्स आपने, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, वो भी आपके ट्रिकी क्वेश्चंस में आता है। कूल। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आपसे वादा रहा, राइट। आ जाइए आप ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम पे, राइट। इनके पास एक ओपन टाइप का ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम होता है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम होता है। इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जी, अगर ये पानी में रहते हैं तो इनके पास गिल्स और बुक गिल्स होंगे। अगर ये लैंड वाले हैं, आप देख लीजिएगा जब आपको एमसीक्यू करना है, अगर ये लैंड वाले हैं तो इनके पास ट्रेकियल सिस्टम होगा, जैसे कॉकरोच के पास ट्रेकियल सिस्टम होता है। कूल। इज दैट क्लियर? इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जी, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर आपको क्रस्टेशियंस की बात कर रहे हैं तो ग्रीन ग्लैंड्स होंगी जी, या मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स अगर आप कॉकरोच की बात कर रहे हैं जी, या इनके पास कॉक्सल ग्लैंड्स होंगे। मैं आपको सब कुछ डिटेल में भी कराऊंगी, इंक्लूडिंग स्पाइडर एंड ऑल। कॉक्सल ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। इनके जो सेंस ऑर्गन्स होंगे, यहां लिख लेते हैं, तो इनके सेंस ऑर्गन्स होंगे। इनकी आईज की जगह क्या होता है जी, ओमेटिडिया होता है। कंपाउंड आईज होती है। ओमेटिडिया क्या है जी, आगे लिख देती हूँ मैं। सीई का मतलब होता है कंपाउंड आईज। ये देती है आपको मोजाइक विजन, ना कि सिंपल विजन, ठीक है, मोजाइक विजन। लिख रहे हो आप लोग सब स्पीड, ठीक है, कॉपी कर रहे हो मेरे साथ मेरे बच्चे, राशि कनोजिया। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। कनक जी मुझे आपका कोई भी मैसेज नहीं आया बेटा टेलीग्राम पे। अंडरस्टूड। ग्रीन ग्लैंड्स, मैल्फिजियन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स आपको लिखवा दिया, सेंस ऑर्गन्स बता दिया, ठीक है। अब बेटा इंपॉर्टेंट वेक्टर्स आपको पता है, वेक्टर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स वाले होते हैं, अनोफलीज हो गया, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो मैं आपको डिटेल में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नोट्स बनवाऊंगी वहां पर मैं आपको डिटेल में बनवा दूंगी। लॉकस्टा इनका ग्रिगेरियस पेस्ट होता है। क्वेश्चन बहुत आता है, यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ। ये तो ग्रिगेरियस पेस्ट, वैसे तो मैंने यहाँ सारे आगे नाम डाले हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की। तो ग्रिगेरियस पेस्ट का क्वेश्चन वो भी आर्थ्रोपोडा से ही आता है, लॉकस्ट कहलाता है ग्रिगेरियस पेस्ट आपका। सेकेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में आता है किंग क्रैब, लिम्यूलस। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ लिविंग फॉसिल। आप याद रखिए सारे आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले आ जाओ आप क्रस्टेशिया पे। क्रस्टेशिया, फिर मैं चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, हेक्सापोडा, आर्कोपोडा और आइकोफोरा सारी चीजें कराऊंगी। सबसे पहले आ जाओ जी आप चिलोपोडा पे, नहीं क्रस्टेशिया पे आ जाओ। तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन जो है ना क्रस्टेशिया का, वो आपका मिक्स हो जाता है, हेड और थोरैक्स। और हेड और थोरैक्स मिक्स मतलब जब कंबाइंड होता है तो उसको सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेफेलोथोरैक्स। डन, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स क्या कहते हैं? सेफेलोथोरैक्स। अभी ना अगर मैं बड़ा बड़ा लिखने लग गई तो फिर बेटा हमें स्लाइड्स ही चेंज करते रहने पड़ेंगे, राइट। ओके, स्लाइड्स दूर दूर लिखना है, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? सेफेलोथोरैक्स तक सब कुछ क्लियर? क्रस्टेशिया के पास है जी सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। एस्टिकस किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में आ गया एस्टिकस, आई एम राइटिंग बिग बिग। एस्टिकस कहते हैं जी क्रेफिश को। किसको? क्रेफिश को, राइट एवरीबॉडी। पैलिन्यूरियस किसे कहते हैं? पैलिन्यूरियस, ये एग्जाम में आ सकते हैं। लॉबस्टर्स, मैंने सिर्फ वो चीजें ढूंढी हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। कैंसर किसे कहते हैं? ये तो बहुत इजी है जी, क्रैब को, क्रैब। डन है चुन्नू द मुन्नूस, राइट एवरीबडी। अब आ जाओ क्लास चिलोपोडा पे। नेक्स्ट क्लास है आपका चिलोपोडा, राइट। तो चिलोपोडा में बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, poison claws. So the first pair of legs are modified as poison claws. मैं first pair of legs लिख देती हूँ. Chilopoda, C for Chilopoda, C for centipede. इसका example होता है centipede. First pair of legs are modified as poison claws. Example is centipede. Is that clear? Yes, Neet Kaur. Even if you start from today, you can definitely crack the exam. Any doubts, everybody? चलिए आगे चले. तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड वाला चीज, आगे बढ़ते हैं क्लास पे. हम आगे हैं जी डिप्लोपोडा. टू पेयर्स ऑफ फीट पर सेगमेंट, राइट एवरीबॉडी. यहाँ पे एग्जांपल है मिलीपीड. एग्जांपल्स आते सिर्फ, और मिलीपीड को कहा जाता है जूलस, राइट. टू पेयर्स ऑफ लेग, डिप्लो कह दिया ना, डाई. यस, यू वेलकम नीड. आई सेंड यू 5 हार्ट्स बैक. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गाइस अपने पे हिम्मत रखो. मैं आपको नोट्स करा रही हूँ, एनसीईआरटी करा रही हूँ, एमसीक्यूज करा रही हूँ. बस आपने एक चीज करनी है मेरे बच्चों, यू हैव टू गो बैक होम एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू लीव इट ऑन आवर चैनल. डन डन और डन. विल यू डू दिस मच फॉर अस? वापस जाकर बदले में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है. एंड गाइस, हू इज गोना मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर सुपर अमेजिंग चैनल? ये तो आपको करना है. डन हो? पक्का प्रॉमिस? यस हो? चलो आ जाओ. तो डिप्लोपोडा हमने कर लिया. इसके बाद आ जाइए जी आप हेक्सापोडा पे. हेक्सापोडा, हेक्सापोडा के पास होती है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, क्योंकि 3 सेगमेंट हैं, और 2 जी इनके पास होते हैं विंग्स. इनका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश, लेपिज्मा, जो पुराने कीड़ों किताबों में लगता है सिल्वर फिश. इसका एग्जाम्पल है लॉकस्ट, जो कि ग्रिगेरियस पेस्ट है. इसका एग्जाम्पल है आपका कॉकरोच. इसका एग्जाम्पल है आपका बेड बग, बेड बग, बेड बग. डन हो? डन डन डन. कॉपी कीजिए. चलिए, गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम टू कॉपी इट. यस एवरीवन, बताइए बताइए बताइए. अच्छा, कोई गेस कर सकता है आज मैंने लंच में क्या खाया होगा? आज दीदी की तबीयत खराब हो गई तो घर में खाना नहीं बना लंच में. आपको तो पता ही है आपकी मैम कितना अच्छा खाना बनाती है, मैगी जलाती है. तो आज मैंने लंच में जोमैटो किया. तो जोमैटो में क्या खाया? नूडल्स. जोमैटो से क्या मंगाया मैंने? मैगी, राजमा चावल. जोमैटो से आया सबवे. सबवे बड़ा ही बोरिंग था, बड़ा ही बोरिंग. आज मैंने कौन सा सबवे खाया? आई थिंक आलू टिक्की सबवे और आलू पैटी सबवे. डोसा खाने का मन तो बड़ा है, सबवे खाया और बड़ा ही बर्बाद सबवे खाओ. यस, चलो डन. तो हमने चिलोपोडा पढ़ लिया, डिप्लोपोडा पढ़ लिया, हेक्सापोडा पढ़ लिया, क्रस्टेशियंस पढ़ लिया. कैन आई डिलीट दिस? चले मेरे बच्चों. एंड गाइस, हैव यू ऑल माय न्यू किड्स, हैव यू ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक? यस सो, पक्का प्रॉमिस? Done, everybody. And guys, do you also spread the word of V Biotonic? चलो, I trust you guys. आगे बढ़ते हैं. हेक्सापोडा हमने कर लिया. अब हम आते हैं एरिथ्रिडा पे. चलो, आर्थ्रोपोडा में हम आ गए हैं. अब can you see I'm writing big? तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा. Can you see this? Everyone, यहाँ पे होते हैं जी book lungs. Book lungs तो कम से कम यहाँ 3 स्टार बना रही हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है. इसके एग्जाम्पल भी बहुत आते हैं. स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट्स, रॉकी माउंटेन फीवर. राइट एवरीवन, यू हैव डन दिस, राइट. अब आ जाइए आप वॉकिंग वर्म किसे कहते हैं? ऑनाइकोफोरा, ऑनाइकोफोरा. पेरिपाटस, कनेक्टिंग लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. बनाइए स्टार. हर एक क्वेश्चन आप देखना, इन्हीं नोट्स की लाइन से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं नोट्स की लाइन से क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चंस विल नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर बट द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द थिंग्स व्हिच आई एम डिक्टेटिंग टू यू. इन्हीं नोट्स की लाइंस में से क्वेश्चन आएंगे. वॉकिंग वर्म, right? It is a connecting link, CL, connecting link between Annelida and Arthropoda. अब मैं एक और कनेक्टिंग लिंक पे आने वाली हूँ. एना मोलस्का में भी कनेक्टिंग लिंक पे क्वेश्चन आते हैं. ये तो फेवरेट क्वेश्चन हैं, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. कूल हो? हाँ मैम, हाँ. देन आ जाओ आप लिम्यूलस पे. लिम्यूलस आपका लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल जो मैंने अभी बोला, लिम्यूलस किंग क्रैब, इसके पास होंगे जी आपके बुक गिल्स। अगर एक क्वेश्चन तो ये बनेगा लिविंग फॉसिल वाला, दूसरा क्वेश्चन बनेगा जी बुक गिल्स। ठीक है, कोई डाउट मेरे बच्चों? बुक गिल्स, राइट। फिर आपकी ये एक्स्ट्रा, दिस इज वेरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फो और वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इन्फो इंपॉर्टेंट। फिर बेटा आपने सुना होगा रैट फ्ली के बारे में, जिससे प्लाग होता है, रैट फ्ली। तो रैट फ्ली को कहते हैं जी जीनोपसाइला, और जीनोपसाइला के स्टमक में कौन रहता है बताओ मेरे बच्चों? यर्सिनिया पेस्टिस। कौन रहता है? यर्सिनिया पेस्टिस, और ये कॉज करता है प्लागे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन भी है, 100% चांस है क्वेश्चन आने का। करेक्ट हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शर्वानी में कहां से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लोन्स पैदा करूं मुझे बताओ, राइट। व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? बेटा इसीलिए तो मैं सारा दिन जब बोलती हूँ क्रैश कोर्स के बारे में, हमारे पास बेहतरीन टीचर्स हैं, इसीलिए वाली मैम सारा दिन बोलती है 3000 रुपए का ऑफ है, आज लास्ट डे है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद रैंक नहीं आएगी, वाली मैम तो नहीं पढ़ा सकती ना फिजिक्स केमिस्ट्री आपको, राइट हो। तो ये क्या है जी आपका पेडिक्यूलस, क्या है? लाउस, ह्यूमन लाउस। एंड ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा क्या क्रिएट करता है बेटा? ट्राइकोनिम्फा बनाता है सेलुलेज, और कहां पे होता है ये? टर्माइट के स्टमक में, क्योंकि टर्माइट जो है वो वुड खाती है, दीमक वुड खाती है तो उसके स्टमक में होता है। क्लियर है यहां तक? ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन आते हैं लिमुलस पे, बहुत क्वेश्चन आते हैं लिविंग फॉसिल किंग क्रैब, लैट फ्री, जिनोपसाइला, पेडिक्यूलस एंड ट्राइकोनिम्फा पे क्वेश्चन आते हैं। कॉपीड विद मी मेरे बच्चों, है ना? कुछ नहीं होता देवशीष, आप खुशी खुशहाल मत होता, टेंशन ना लो। चलो चले मीनू रानी जी, अदिति, एवरीबडी कॉपीड एंड गाइस ईच वन ऑफ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक। तो हो जाए आज स्क्रीन पे एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। एंड गाइस चलिए आगे चले, परफेक्ट हो अनुष्का चौधरी। चलिए अब हम आ जाते हैं मॉलस्का, किस पे आ गए जी अभी हम? मॉलस्का। ठीक है, मॉलस्का, इसके बाद जाएंगे जी हम इकाइनोडर्मेटा पे। ठीक है, और बेटा यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोकॉर्डेटा पे आप देखना। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आपका कॉन्ड्रिक्टियोलॉजी, एवीज पे, रेप्टिलिया पे, बर्ड्स पे ज्यादा क्वेश्चंस। मैमेलिया पे तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि मैमेलिया पे क्वेश्चंस चले गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, तो एवीज वगैरह पे आपने क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, राइट, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा, इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। इनके बाद आपको देखना क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम होते चले जाएंगे। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। आफ्टर 2 फाइलम्स एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस बहुत कम रह जाएंगे। एनिमल किंगडम पे क्वेश्चंस दो तरह पे आते हैं, आर्थ्रोपोडा पे क्वेश्चंस आएंगे, मॉलस्का पे क्वेश्चंस आएंगे, इकाइनोडर्मेटा पे क्वेश्चंस आएंगे, कॉर्डेट्स पे क्वेश्चंस आएंगे। एंड एक तो ये हाफ है, दूसरा हाफ जो मैंने आपको पहले दिन कराया था, यस, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस आएंगे, पोरीफेरा पे क्वेश्चंस आएंगे और हाइड्रा पे क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा एनीथिंग एल्स जिन पे क्वेश्चंस आएंगे उनका चांस बहुत कम है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक्सेप्शन है, इनमें सेगमेंट नहीं होता, इसके पास है एक एक्सेप्शन नियोप्लिना जो एनालिड और मॉलस्का के बीच में है। ये एक सेगमेंटेड मॉलस्क है, इसके पास सेगमेंट होते हैं, ये एक्सेप्शन है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो एनिमल किंगडम पे आते हैं वो एक्सेप्शंस पे आते हैं, राइट एवरीबडी। यह सवार आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे ताकि कल हम प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट कर सके, राइट इनके पास होता है हेड प्लस फुट प्लस हम्प विच इज देयर। सो दे डू हैव अ हेड एंड फुट एंड हम्प। एंड कैन यू सी वी आर राइटिंग बिग नाउ? यस एवरीबडी, Is that clear everyone? चलिए एंड गाइस मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ, ये जो 11th और 12th का समय होता है ये टाइम पास के लिए नहीं होता है, राइट। रियलाइज सब करते हैं पर काफी बच्चे ये रियलाइज करने के बावजूद भी कि ये समय पढ़ाई का है, ये रियलाइज करते हैं बच्चे, बट उसके बावजूद भी, रियलाइज करने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई उतने लेवल पे करते नहीं हैं। सो मेरे बच्चों इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप रियलाइज़ कीजिए कि ये समय पढ़ने का है, टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा कॉलेज के बाद, बट अब जो टाइम है अगर ये चला गया तो ये दोबारा नहीं आएगा बच्चों। बहुत डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब पे, कुछ चैनल ज़रूर है जहाँ पर पढ़ाई की बातें होती है और टीचर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनको ढूंढिए और वहाँ पर पढ़िए। प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आपका, आपके पेरेंट्स का बहुत टाइम, एफर्ट और मनी गया है। बहुत लोग हैं यूट्यूब पे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए बैठे हैं। डोंट डू दैट, राइट? पढ़ाई कीजिए। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, हाँ ना, आगे बढ़ते हैं। इनके पास हमेशा शेल होता है बेटा, और इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ इनकी। अगर मैं शेल की बात करूँ बेटा, यहाँ थोड़ा साइड में चले जाते हैं और लिखते हैं। अगर मैं इनके सिर्फ शेल की बात करूँ, जिसपे MCQs बहुत आते हैं शेल के, देखिए मैं लिख रही हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शेल की बात करूँ तो बेटा स्लग कैटल फिश के पास, स्लग कैटल फिश और स्क्विड्स, आपको स्क्विड्स भी आपने सुना होगा, स्क्विड्स के पास इंटरनल होता है, और ऑक्टोपस, डेविल्स फिश जिसे कहा जाता है, फिश नहीं है, ऑक्टोपस के पास एब्सेंट होता है। ऑक्टोपस के पास शेल नहीं होता है। इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पेन चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर कंटेनिंग होता है, आपने बहुत बार MCQs में पढ़ा होगा, कॉपर कंटेनिंग होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोसायनिन। तो क्या होता है जी, कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोसायनिन। साइनोस का मतलब होता है ब्लू। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, इनके पास स्टिनिडिया होता है। वर्ड्स आपने सुने होंगे, स्टिनिडिया, गिल स्पेस, इसको स्टिनिडिया एक स्पेशल वर्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर? गिल्स, मेंटल कैविटी, पल्मोनरी सैक्स भी होते हैं, बट स्टिनिडिया वर्ड आपने कम से कम 8 to 10 टाइम्स MCQs में देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ अभी मैं। इनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ऑर्गेनिजम्स, ऑक्टोपस, राइट? तो इनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जो आईज होती हैं वो स्टॉक्स के ऊपर होती हैं, ऐसे ही डायग्राम बनाइए। इन स्टॉक्स का नाम जो होता है आपने सुना होगा, ओमैटोफोर्स। मैंने स्पेशली लिखा है ओमैटोफोर्स स्टॉक, जैसे स्पोरेंजियोफोर स्टॉक होता है फंगस में, ओमैटिडिया आई के लिए बोला जाता है और फोर स्टॉक के लिए बोला जाता है। इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, दे डू हैव अ बैलेंसिंग ऑर्गन, एंड द बैलेंसिंग ऑर्गन इज रेफर टू एज योर स्टैटोसिस्ट। क्या नाम है जी बैलेंसिंग ऑर्गन का? इट इज रेफर टू एज योर स्टैटोसिस्ट। वाटर में बैलेंस करने के लिए स्टैटोसिस्ट होता है, राइट? थैंक्स मेघा, राइट? इनके पास एक वाटर टेस्टर होता है, टेस्ट करने के लिए कि कहीं कोई केमिकल्स तो नहीं है, शुड बी एंटर दिस वाटर और नॉट। सो द वाटर टेस्टर इज कॉल्ड एज, बहुत बार आपने ये वर्ड भी MCQ में सुना होगा। मैं इसको केमिकल टेस्टर लिख देती हूँ। केमिकल्स कहाँ पे टेस्ट करते हैं? ये वाटर में। सो आई एम गोना राइट दिस डाउन एज केमिकल टेस्टर एंड पुट अ स्टार मार्क हियर। इज दैट क्लियर एवरीवन? देवांशी, नीतू, नीतू आई विल टेल यू बेटा, मैं अभी नहीं बता सकती कि हाउ कैन आई रिकवर माय क्लास 11th एंड 12th, आई मेक अ स्पेशल लेक्चर ऑन दैट, राइट? अब लार्वा पे आ जाइए। लार्वास पे बेटा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है प्लीज आप मेन कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए। नाउ आई एम नॉट एबल टू रीड योर कमेंट्स इन द क्लास मेरे बच्चों, तो मेन कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल दीजिए, ठीक है? इज दैट क्लियर? कॉपर है बेटा, सी यू। हद्दी हो गई भाई, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें केमिस्ट्री, राइट? लार्वल फॉर्म पे आ जाइए। इनके पास लार्वा होता है, उसका एक नाम होता है वेलिगर लार्वा, एक और लार्वा होता है उसका नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा, और ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, गोल्चीडियम। बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, गोल्चीडियम। कूल है गोल्चीडियम लार्वा। ये वाला कहना इरेज दिस, लिख लिया मेरे बच्चों ने? हैव यू ऑल रिटन दिस डाउन? वेलिगर, गोल्चीडियम, ट्रोकोफोर, ये वाला कॉपी कर लिया मेरे बच्चों ने अभी तक? मिटा दें थोड़ा सा। मोलस्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो इसको मिटा देते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। इतनी सी जगह में मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स और लिख देती हूँ। यस, ऊनियो का है गोल्चीडियम लार्वा, मिताली में उसी पे आ रही हूँ। तो इनके पास भी एक लिविंग फॉसिल है। इनके लिविंग फॉसिल को नियोपिलिना कहा जाता है। देखो मैंने सबसे पहले लिखा था क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है, नियोपिलिना कहा जाता है। इट हैज गॉट सेगमेंट्स, मोलस्का के पास सेगमेंट नहीं है, सो इट इज लाइक अ कनेक्टिंग लिंक. इज दैट क्लियर बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा टू मोलस्का. ठीक है जी. Can I write CL here? Connecting linkage between Annelida and Mollusca. Living fossil है, connecting link है. ऊपर मैंने आपको living fossil बोल दिया था, connecting link. ठीक है. Fresh water mussel. Question आएगा which of the following is a fresh water mussel? तो ये सब चीजें आनी चाहिए आपको, by heart होनी चाहिए. Which of the following is a fresh water mussel? तो fresh water mussel होगा जी आपका ऊनियो. राइट क्वेश्चन आ जाएगा which of the following is apple snail? लिखो मेरे साथ साथ पाइला apple snail. Which of the following is apple snail? ऐसे क्वेश्चन आएंगे. 2007 का MCQ क्वेश्चन है. We've written that down in the handmade notes. ऐसे हाफ हाफ करके छोटे छोटे पेजेस बनाइए मेरे जैसे. Is that clear everybody? फिर अगला क्वेश्चन 2016 का आया हुआ है. सीपीआर को क्या कहते हैं? 2016 पर ये बीएचयू का क्वेश्चन है. राइट, सीपीआर को क्या कहते हैं? कटलफिश. इसके पास इंक सैक होता है. इंक सैक किसके पास है? एबीसीडी ऑप्शन दे देंगे. इंक सैक आपको पता है. राइट हो. देन 2017 में का जिपमर का क्वेश्चन है. पर्ल फॉर्मेशन. पर्ल फॉर्मेशन ये तो पता है. पी फॉर पर्ल, पी फॉर पिंकटाडा बायवाल्व. पिंकटाडा बायवाल्व्स, डेंथेलियम्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे. पिंकटाडा. राइट. व्हाट इज द स्टडी ऑफ शेल्स कॉल्ड? द स्टडी ऑफ शेल्स इज कॉल्ड एज कॉन्कोलॉजी. लिखिए, जो शेल होते हैं इनकी स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं. एक्स्ट्रा पॉइंट, राइट इट डाउन. पेलिनोलॉजी, कॉन्कोलॉजी. सबसे ज्यादा मोलस्का एवोल्यूशन का क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है. कौन सी स्टेज थी अर्थ की व्हेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलस्कन्स वर फाउंड? ओडोवीसियन पीरियड. ओडोवीसियन, राइट इट डाउन. एवोल्यूशन का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया. ओडोवीसियन. इज दैट क्लियर? एप्पल. सी हेयर को क्या कहते हैं? एप्लीजिया. सी हेयर मिसनोमर. मिसनोमर. सी लिखते हैं ना, वो तो एप्लीजिया तो मैंने लिखती है. ठीक है जी, डन. परफेक्ट सक्षम. पर्ली नाउटिलस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. Perlinautilus, which is again very common. Perfecto. Can we come to Echinodermata? Yes, my God, 38 हो गया, पता ही नहीं चलता. टाइम तो ऐसे वुर्र कर जाता है क्लास में. Yes, so. And I will tell you, class 12 के बच्चे class 11 में क्या करें? पहले तो ये वाली classes लगाना शुरू करें. उसके अलावा क्या करें? I'm going to be telling you. Cool? Promise I'll tell you. चले आगे. Done? Yes, so. Copied? Can I delete it? गाइस, एंड सारे बच्चों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करी है. गाइस, घर में जितने फोन हैं, एवरीबडी हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ बी बायोटॉनिक. करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. अपने फ्रेंड्स को बताना है, अपने स्कूल्स में बताना है. नाउ द स्कूल्स आर ओपनिंग, यू विल गो टू योर स्कूल्स. विल यू टेल अबाउट बी बायोटॉनिक टू योर फ्रेंड्स? यस, पक्का, प्रॉमिस. यू विल टेल ऑल योर फ्रेंड्स, यू विल टेल योर कॉलोनी फ्रेंड्स, यू विल टेल योर स्कूलमेट्स. यस, सो यू विल सपोर्ट वानी मैम. कैन आई डिपेंड ऑन यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव? यस, थैंक्स. अब नाउ यू अंडरस्टैंडिंग. चलिए, डिलीट कर दो इसको. मैं परफेक्ट. चलिए आगे बढ़े. कैन वी मूव अहेड? चलो, अगर आपने कर लिया है कॉपी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं इकाइनोडर्माटा. ठीक है, चले आगे इकाइनोडर्माटा पे. ओके जी, कल तो हम प्लांट किंगडम करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बी डूइंग प्लांट किंगडम इन टुमारोस क्लास. ओके चलिए. नाउ टोटली मरीन, ये क्वेश्चन तो कम से कम 7 या 8 टाइम्स आ चुका है. कंप्लीटली मरीन. आपको पता है कम से कम 5 बुक से मिलकर ये नोट्स बनते हैं. 5 बुक्स मिक्स की जाती है और ये वाले नोट्स बनाए जाते हैं. तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी. आप सिर्फ ये नोट्स करो, दैट्स ऑल. और ये नोट्स करो. जब मैं एनसीईआरटी मार्क करवाऊंगी इस टॉपिक की, तो एनसीईआरटी मार्क कर लेना. ये वाले नोट्स और एनसीईआरटी करना. दैट्स अबाउट इट. Yes, is that clear? Thanks, Arindam. Exclusively marine. सिर्फ marine होते questions आता है. Pentamerous symmetry होती है, आपको पता होनी चाहिए. Pentamerous को फिर से half कर लेते हैं बीच से. ठीक है, इसमें भी काफी कुछ है. It's very long. This one mollusca और echinodermata से maximum questions आते हैं. इनके पास ambulacral system होता है. Water vascular system को कहते हैं ambulacral. ये वर्ड तो बहुत. पेडिसिलेरी और एम्बुलैक्रल सिस्टम आप कितनी बार भी एमसीक्यूज करो, आपको हर बार नजर आएगा. इनके पास पेडिसिलेरी होते हैं, इनके पास एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है. ठीक है, वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, ये दो चीजें तो इनके पास होती है, एम्बुलैक्रल। कूल, ठीक है, डन एवरीवन। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा रिलीज करेंगे? मरीन है तो क्या निकलेगा? आपका आंसर खुद ही बता दो। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अगर पानी में है तो क्या निकालेंगे? दे विल ऑब्वियसली टेक आउट अमोनिया, अमोनोटेलिक होंगे, बिकॉज दे आर इन वाटर, सो दे हैव टू टेक आउट अमोनिया। दे डोंट हैव एनी हार्ट, दे हैव नो पिगमेंट्स इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड द हीमल सिस्टम। दे हैव नो हार्ट, दे हैव नो पिगमेंट, लेट मी राइट दिस डाउन, दे हैव नो हार्ट, they have no pigment, that is referred to as very simple hemal system. Cool, is that clear everyone? It's referred to as the hemal or the perihemal system. अब आ जाइए आप इसके larval forms। every year question में larval forms के आगे मैं 2-3 स्टार बना देती हूँ। हर साल larval forms पे भी क्वेश्चन तो आना ही आना है, आना ही आना। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, लार्वल फॉर्म्स पे ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना आए। तो मैं आपको लिखवा रही हूँ, एस्टेरोइडिया स्टारफिश के लार्वल फॉर्म्स लिखिए, एस्टेरोइडिया स्टारफिश के लार्वल फॉर्म्स लिखिए 3, और सिर्फ नेम्स आएंगे प्लीज। देयर इज, बिकॉज एनसीईआरटी डज नॉट मेंशन इट, राइट? देवशीष मेरे बच्चे, प्रियांशी, अशोक, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं किया है, इनकी लार्वल फॉर्म से कोई पीएचडी करने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ नाम आएंगे जो आपको याद होने चाहिए। बाइपिनेरिया लार्वा, एबीसीडी ऑप्शन होगा, किसमें होगा सो आपको पता होना चाहिए। ब्रेंक्योलेरियो लार्वा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको पता होना चाहिए ब्रेंक्योलेरिया लार्वा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, स्टारफिश। चलिए, तो ऐसे करके मैं आपको सारे के सारे लिखा देती हूँ, राइट? ऑफियोराइडिया, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार आपको पता ही है इसका एग्जाम्पल। इसका ऑफियोफ्लूटियस लार्वल फॉर्म, और आपको इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए जी, ब्रिटल स्टार, ठीक है? आ जाइए, प्लूटियस, प्लूटियस, सी अर्चिन, इसका तो एग्जाम्पल भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पेडिसिलेरी होते हैं विच आर नथिंग बट दी ऑफ, यू नो, दी ऑफेंसिव ऑर्गन। अब एक और क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, सी अर्चिन्स जो होते हैं उनके पास एक स्पेशल मैस्टिकेटरी ऑर्गन होता है। दिस क्वेश्चन यू मस्ट हैव सीन एटलीस्ट 3 or 4 टाइम्स। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आपने 3 या 4 बार ये देखा होगा, उनके पास एक मैस्टिकेटरी ऑर्गन होता है। उस मैस्टिकेटरी ऑर्गन का नाम होता है जी एरिस्टोटल्स लैंटर्न। क्या नाम होता है जी? एरिस्टोटल्स लैंटर्न। कभी देखा है आपने? देखा है आपने एरिस्टोटल्स लैंटर्न का क्वेश्चन, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल्स लैंटर्न, राइट? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, फेदर स्टार को क्या कहा जाता है? एंटीडॉन। तो ये है जी आपका एंटीडॉन, विच इज नथिंग बट द फेदर स्टार, ठीक है? चले आगे बढ़ चले, राइट? अभी मैं आऊंगी हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा पे। एंटीडॉन आपका फेदर स्टार है। वेरी गुड तान्या, तान्या आई हैव बीन नोटिसिंग यू फॉर सम टाइम। तान्या चौधरी, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स। तान्या, आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी, रिमेंबर वानी मैम इज जस्ट 1 फोन कॉल अवे फॉर यू। यू आर फैबुलस तान्या, आप रेगुलर आते हो और आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, एंड यू ट्रूली हैव ऑल माय सपोर्ट माय डियर चाइल्ड। बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तान्या चौधरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। चले, सो लेट्स नाउ कम टू हेमिकॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? यस, सो बायजूस जेई गाइड, अगर आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है, आप वैसे ही बोल दो, मैं आपको वैसे ही बोल दूंगी यार, यू नो, कुछ भी आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है यहाँ पर आकर, इससे सास्टिन जेई करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बायजू गाइड, ठीक है? आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है, दुनिया भर के चैनल आते हैं यहाँ पे पब्लिसिटी करने, आप वैसे आ जाओ अपनी पब्लिसिटी करने, कुछ नहीं होता। इतना छोटा दिल नहीं है वी बायोटॉनिक का। तो अगर आपको ये जेई में क्यों आएगा बेटा, है ना? चले, yes, so I'm erasing this down. But for all my lovely kids and all of you who are watching us right now, मैं आपको एक बहुत important बात बताना चाहती हूँ। राइट, चलिए उसको छोड़िए, उनको जिनको पब्लिसिटी करने आना था वो रोज आ जाते पब्लिसिटी अपनी करवाने। बट मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताने वाली हूँ, बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके पास नोट्स होने चाहिए। बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के पढ़ाई नहीं होगी। अब मैं जा रही हूँ आगे हेवी कॉर्ड डेटा पे, बट बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के बेटा जीज रैंक नहीं आएगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं, इक्वली स्ट्रॉन्ग में भी मोर स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि बायो में तो सबके नंबर आएंगे। मेरे सारे बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री में जो नंबर लेकर आएगा, बेटा देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में ये देखो हाल, राइट। बायो में कई बच्चे जो है जो अच्छा कर रहे हैं। सुबह मैंने आपको देखिए, जब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बढ़ेगी तब जाकर आप कह पाओगे यार अब तो मैं फोड़ने वाला हूं एग्जाम, नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग वेल। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने हैं, अपने टीचर से डाउट पूछने। विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर हुए, that question in the exam will not be correct. You really require the best of teachers to teach you, to explain concepts to you, to resolve your doubts. You have to give tests. और आपको पता है अगर आप pro membership या crash course में से कुछ भी choose करते हो, कुछ भी दोनों में से choose करते हो, you are going to be the next level बेटा। pro membership तो इतनी कमाल की, आप सिर्फ एक 1 month की pro membership में at least 20 topics कर सकते हो, because it is unlimited live access. अनलिमिटेड लाइव एक्सेस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। ये देखिए कैसे फास्मेडा, ए फास्मेडा, मैंने आपको अभी पिनवॉम वगैरह बताया, ऐसे सारे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम ही करवा रही हूं मैं। आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के सॉल्व कर पाओगे। आप टेस्ट दो बेटा, मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ, आप जाइए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कहती हमारी ज्वाइन करो, कोई भी ज्वाइन करो, पर टेस्ट सीरीज के बिना नहीं प्रेपरेशन होगी। आपका लेवल क्या है आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे, और कोई आपका टेस्ट चेक करके आपको रिटर्न करेगा तब आपका लेवल आपको पता चलेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखो बेटा, अगर आपका ऐसा टाइम टेबल बनेगा, डेली टाइम टेबल physics, then you will get confidence if you start studying the subjects every day. It is very very important. यहाँ मैं I'm not saying हमारे पास कहीं भी पढ़ो, but this is the way to study. Biotonians, मेरे बच्चों, mascots, this is the way to study. अगर crash course आज last date है, right? सब जगह ऑफर चल रहा है। मैं अपना मैंने सुबह दूध गिरा दिया गलती से ऑन माई टेबल कवर, तो वो हल्दी वाला दूध था और मेरा इतना प्यारा टेबल कवर था, वो खराब हो गया। तो फिर मैंने उसको उठाया और मैं उसको ड्राई क्लीन करने लेके गई, तो वहाँ पे चल रहा था 26% ऑफ। ठीक है, मैंने कोट करवाने, बहुत सारे कोट हैं, तो मैं उसको पूछ रही थी, मैंने कहा यार कोई बल्क ऑफर है? कहता कितने कोट है? मैंने कहा यार 15-20 कोट है, सब ड्राई। कहता आज ले आओ, 26% ऑफ चल रहा है। सही है यार, तो यार वी आर ऑल्सो गिविंग यू 30% ऑफ। एनालॉजी थोड़ी टेढ़ी हो गई। कहता मैम आज ले आओ, 30% ऑफ चल रहा है, 26% ऑफ चल रहा है, आज शाम से पहले ले आ। लाइक ठीक है सही है, देखती हूँ। यस सो ये देखिए। So guys, today if you put the code VDNEET21 and you buy the crash course में 120 sessions में आप हमारे साथ पूरा पढ़ सकते हैं। You get a 30% off. कल नहीं रहेगा, बाद में मत बोलना, right? And guys, ये देखिए, ये आपका 1 महीने की pro membership है। Pro membership का जो कोड है वो VDPRO है। तो 11th वाले बच्चों, अगर 11th के किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप लगभग 1 महीने में पूरा फिजिक्स कर सकते हो। 11th का सच बता रही हूँ, सच, क्योंकि आपके सामने एक क्लास नहीं होगी यार, आपके पास 10 क्रैश कोर्सेज आपके सामने चल रहे होंगे, आपके सामने 20 लॉन्ग टर्म बैचेस चल रहे होंगे, 30 माइक्रो कोर्सेज चल रहे होंगे। यू जस्ट एनरोल एंड स्टडी। यस खुशी एवरीवन, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज अ प्रो मेंबरशिप, यू गेट एक्सेस टू ऑल द लाइव कोर्सेज व्हिच आर टॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली, PCB। तो गाइस 1 महीने की, 3 महीने की, व्हाटएवर यू नो सूट्स यू, डू दैट, बट पढ़ लो यार, पढ़ लो। और इसका लिंक कहाँ है? होम पे जाइए, यहाँ पे जाइए। ये कौन है जो आ जाते हैं? इनके बाद जो डॉगी आएगा वो बड़ा क्यूट है, रुक जाओ। ये एक डॉगी आएगा, बड़ा प्यारा सा डॉगी है वो। अरे कहाँ गया? अरे बदल दिया इन्होंने डॉगी, उसकी फैन कर दो फिर, राइट हो। तो ये देखिए VD Pro एंड क्रैश कोर्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप क्रैश कोर्स में जाएंगे, VDNEET21 यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रो मेंबरशिप चूज करिए। बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े हेमी कॉर्ड डेटा पे। चलो 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 चलो, थोड़ा पतला पहन ले लेते हैं अभी। डन, शहनाज, अमर, देवशीष, नम्रता, मेंटी करेंगे बेटा, मेंटी करेंगे। मेंटी आ रहा है, मेंटी पे सेंटी नहीं होते बेटा, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। हैवी कॉर्ड डेटा पे आ जाओ। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, फिर हम कॉर्डेट्स पे आने वाले हैं। कूल? ओके, कितना कुछ पढ़ाना है। यूरोकॉर्डेटा पे आएंगे, सेफेलोकॉर्डेटा पे आएंगे, वर्टिब्रेटा पे आएंगे। डन डन डन, चलो आ जाओ। ओके, पेन निकाल लें। और मैं आपको ना बड़ा मतलब टू द पॉइंट, ये जो तीन चार चीजें हैं ना, इनमें से पांच या छह क्वेश्चन आते हैं और रिपीट हो के, मतलब ऐसे लूप पे क्वेश्चन आएंगे, लूप पे क्वेश्चंस रिपीट हो के वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, कल जो है ना हम कल तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करना ही है, बट कल मैं फिर आपको थोड़ा सा मैं सोच लूँ, आपका साइक्लोस्टोमेटा हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स की लाइनें मैं आपको कल लिखवा दूंगी, फिर प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, यस आइए। तो इधर आते बेटा, हेवी कॉर्डेटा, हेवी कॉर्डेटा का एग्जाम्पल जो है ना, इनके पास ये होते हैं। आपको यहाँ पे सिज़ोसीलोम और एंटीरोसीलोम, गट से अगर सीलोम बनती है तो उसको एंटीरोसीलोम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये होते हैं एंटीरोसीलोम होती है, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। गट से अगर सीलोम बनेगी तो एंटीरोसीलोम होगी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? हाँ जी, जस्टिन बाइबर जी, वेदांतु भी बुक्स प्रोवाइड करता है, इस साल के सारे बच्चों को बुक्स मिल चुकी हैं। इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, राइट। इनके पास ग्लोमेरुलस नाम का स्ट्रक्चर होता है जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या होता है? जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है जी, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो कि मैम मुझे इस चीज में डाउट है। इनका नाम होता है बैलेनोग्लॉसस। ये वर्ड कितनी बार सुना है आपने क्वेश्चंस करते हुए? बैलेनोग्लॉसस, बताओ मुझे, बैलेनोग्लॉसस कितनी बार ये वर्ड सुना है आपने? 5 या 6 बार ये वर्ड सुना है आपने, बैलेनोग्लॉसस, राइट। इसका बैलेनोग्लॉसस, सो बैलेनोग्लॉसस का जो नाम होता है बेटा, बैलेनोग्लॉसस, इनको कहते हैं एंकॉन वर्म। इसका एक और नाम होता है जी टंग वर्म, क्योंकि इनके पास होता है प्रोबोसिस, और जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस, तो जो प्रोबोसिस होता है वो टंग की शेप का होता है, इसलिए इनको टंग वर्म कहा जाता है। डन, इज दैट क्लियर? इनके पास एक वेंट्रल माउथ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, इनके पास एक लार्वल फॉर्म होता है, उस लार्वल का नाम होता है टोनेरिया लार्वा, टोनेरिया। कूल? टोनेरिया लार्वा, कोई डाउट? येसो, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बैलेनोग्लॉसस आपने कर लिया। अब आ जाओ आप कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक। बेटा ये जो है ना क्वेश्चन, ये तो कम से कम मतलब 5 या 6 बार आ चुका। अगर मैंने किसी को भी कॉर्डेटा कहना है तो ये इसको ये 4 या 5 चीजें तो करेक्टराइज करनी पड़ेगी, तो ही मैं इनको कॉर्डेटा कहूंगी। तो कॉर्डेट्स के पास होना चाहिए कि नोटोकॉर्ड, हाँ जी मैम नोटोकॉर्ड तो होना चाहिए, राइट। नोटोकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नोटोकॉर्ड? इज दैट क्लियर? सेकंड चीज क्या होनी चाहिए? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए बताइए? तो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पैरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल। अगर ये क्वेश्चन आए, ऑल दी अबव वाले क्वेश्चंस में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अभी ना आप एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, आई थिंक दे विल गिव यू माय बैचेस बिकॉज़ आई आल्सो हैव लॉन्ग टर्म बैचेस। सो यू शुड हैव नोटोकॉर्ड, यू शुड हैव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यू शुड हैव पैरेंजियल गिल स्लिट्स एंड यू शुड हैव अ पोस्ट एनल टेल। एनी डाउट्स? राइट हो? यस, ये जो जो करेगा उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे। अगर किसी लाइफ में किसी भी टाइम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से तो उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे, राइट। अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई सिर्फ लार्वल फॉर्म में है तो उसको कहेंगे यूरोकॉर्डेटा और सिर्फ टेल पे होगी। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक टेल से लेकर हेड तक है तो उसको कहेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। तो मैं आपको यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा करवा दूं? यस, thanks Priya, wish you a very happy birthday. Hi kids, but na kaam karte hain, we will start from urochordates in tomorrow's class. Cool hai ji? Aur urochordates se kal ki class shuru karke hum pura pehle khatam kar denge aur fir plant kingdom pe aayenge. I think 25 to 30 minutes ka bacha hai sirf animal kingdom, so 25 to 30 minutes mein hum pure ka pura animal kingdom khatam kar denge aur 30 to 35 minutes mein hum mcqs karenge. Okay, mcqs nahi, plant किंगडम करेंगे. तो जब मैं कल आपको एनिमल किंगडम खत्म करा दूंगी उसके बाद आई विल मूव ऑन टू दी एमसीक्यू. कूल, क्योंकि आज के एमसीक्यू में तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले एवीज और रेप्टिलिया के, अब तो वो हो गए नहीं. तो कल हम पहले ये खत्म करेंगे नोट्स बनाना एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ वेरी 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 ट्रिकी चैप्टर कॉल्ड प्लांट किंगडम. के नोट्स बन गए तो मतलब कमाल ही हो जाएगा. यस सो बेटा अभी हो गए 56 और इसको कराने के लिए मुझे चाहिए कम से कम 20 मिनट्स. बहुत सारा है, कम से कम मुझे 20 मिनट्स तो चाहिए. डन हो तो फिर हम मिलेंगे कल. एंड गाइस 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 बिफोर आई गो मैं एक चीज आपको बार बार बता रही हूं, वो ये है दैट दिस ऑफर एक्सपायर्स टुडे. So don't miss this offer. The Pro Lite का कोड है VD Pro, which is full live access, complete platform. मेरी क्लासेस लगाइए, किसी टीचर की भी क्लासेस लगाइए, अपने फेवरेट बना लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उनको स्टॉप करिए और एक महीने में सारा सिलेबस खत्म कीजिए. पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, नए लाइव लेक्चर्स देखिए, डाउनलोड कीजिए नोट्स. और ये बच्चों राइट क्रैश कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. कोड आपने लगाना है नीट 21 VD नीट 21. ये कोड है आपका, अप्लाई कीजिए. आज लास्ट डेट है टू गेट द 3000 ऑफ. डोंट मिस दिस. एएफएमसी का टेस्ट डिस्कशन होगा शार्प एट 9 PM. बाय किड्स, बाय.